उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी, बच्चे और सास पर तेजाब फेंक दिया। घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया है कि उसका पति सोनू शर्मा कुछ समय पहले वह कमाने के लिए जयपुर चला गया, वहाँ भी वह उसके साथ रही, लेकिन वह वापस आकर अपने बच्चे और माँ के साथ भजनपुरा में रहने लगी। पीड़िता का आरोप है उसके पति सोनू को शक था कि उसका अवैध संबंध है और बच्चा भी उसका नहीं है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इसी शक के चलते 6 सितंबर को सोनू उसके घर पहुंचा और उन लोगों पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले में वह, उसकी माँ और बच्चा झुलस गए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे घर वाला था, मेरे ऊपर बहुत शक करता है। और रात में फोन आया था जयपुर से आधी रात को, उसने मुझसे बात करी, बात करते मुझे नहीं पता सुबह आएगा। वो आधी रात में आ गया था, मतलब बाहर बैठा था। सुबह हम लोग बैठे हुए आया, आके 2 मिनट भी होंगे हम लोग उधर बैठे, पता नहीं, जब तो कुछ नहीं था उसके हाथ में। आके बोतल, 2 लीटर की बोतल लेके आया, तेजाब फेंक दिया मेरे पे, मम्मी पे, बच्चे में, सब में। कैसे ना कैसे हम बचे, पानी डाला तो गली वाले थे तो दूध डाल दिया था। उसका नाम है सोनू, क्या लगते हो घर वाले जी। किस बात को लेके झगड़ा रहता था घर में? झगड़ा सक भी दिया, गलत काम करती है माँ, तेरा पैसा खाती है। हाँ जी, तो आप फिर उनके बाद लड़ने के बाद कहाँ, अपना कैसे, अपनी मम्मी? हाँ मम्मी के रहते थे। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, एक दादी पास रहता है, लड़कियां यही रहती है मेरे पास। तो जब वो आपसे एक बात, उस समय बात कर रहा था तो बोतल उसके हाथ में थी? नहीं, उसके हाथ में नहीं थी। जब इसको भेज दिया चॉकलेट लेने बाहर, वो बाहर निकला, फिर पता नहीं कब आया। मम्मी कपड़े सिल रही थी, मैं बैठी हुई थी, जब ही आके एकदम से कुछ नहीं बोला, आके बोतल लिया, सबके ऊपर छिड़क दिया। बच्चे का, छोटे साल भर की लड़की है, 5 साल का लड़का आंख में गया, मम्मी के सारे शरीर में गया था, हमारे पीठ में वगैरह में, पैर में, सब में गया, मुंह तक पहुंच गया। हाँ हॉस्पिटल गए थे जैक प्रवेश, सुई लगाई उनने, मेडिकल वगैरह जो करना था करा, थाने ले गए, थाने में रिपोर्ट वगैरह लिखवाई सब, फिर वहां से 5-6 बजे भेजा था। हाँ वो तो भाग गया था, दोबारा तो ही नहीं आया, फोन आ रहा, फिर धमकी दे रहा कि दोबारा फेंकूंगा सबको। मैं अंदर बैठी हुई थी और वहाँ आया, खड़ा हुआ, खड़ा हुआ तो कह रहा है परी कहाँ, मैंने परी से क्या मतलब है तुझे, और कमाने में तो है नहीं। मैंने कहा अभी दूसरा तीसरा बच्चा आ रहा, वो कौन करेगा, है माँ बाप के पास तो इतना हुआ ही नहीं, नहीं कमाई करता नहीं है, भाग भाग के चला आता है। और दूसरी बात, फिर वो आया, फिर बाहर गया, बाहर से नहीं बोतल लेके आया, नहीं क्या कर लेके आया, और इसको दिए, मेरे मेरे लड़की की लड़की को पैसे दिए और कहा चॉकलेट लेके आ। ये गया चॉकलेट लेने के लिए लगा, और चॉकलेट के बाद में वो उसको मिल गया अकेला मौका। मैं बैठी हुई थी, मैं उठ पाती नहीं हूँ पैरों से, और उसने तेजाब की बोतल खिड़की, जैसे पानी में सोच रही पानी पी रहा होगा, ये पानी नहीं पी रहा, इसने हमारे लोग सब में डाल दिया। बड़ी देर के बाद होश आया हम लोगों, थोड़ा सांस वोस घुट गई थी, तो बड़ी देर के बाद होश आया, लड़की मेरी गुस्ल खाने में चली गई अंदर, और मैं बाहर आ गई, पानी वानी थोड़ी मिला। फिर वो मोहल्ले वालों ने मेरे दूध दूध सबके डाला, बच्चे बच्चे को आंखों आंखों में सब में, तो हम बच गए। मुझे 35-30 साल हो गए, मैंने कभी नहीं सिखाया था, मोहल्ले में सिख में रही हूँ भजनपुरे में। ये बगल में उसके मुंह में सब में गया, उसके आंख में भी गया था, और उसके तो गले उले में भी गया है, और यहाँ भी है, पिछी में भी है थोड़ा सा, और वैसे बच गई है, नहीं नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता, पानी में तो फल के पड़ जाते। हाँ हल्के हल्के सब है। फिर फोन करा पुलिस वाले को, तो वहां से गाड़ी उड़ी आई, गाड़ी उड़ी आके
लेके गए हमें उठा के। हम मोहल्ले वाले ने मेरे कुर्सी में डाला है तो मेरे को बिठाना है गाड़ी में, और मेरी लड़की उड़की सब वहाँ गए हॉस्पिटल। आपकी बेटी जो है वो बता रहे कि प्रेग्नेंट भी है अभी। हाँ, तीन महीने है। अच्छा, 3 महीने से है। तो ये अभी भी धमकी दे रहे हैं इनके पति? हाँ, अभी भी कितने फोन आ रहे हैं उसके, और कह रहा है कि छोड़ूंगा नहीं। अब तेरे बाप की बारी है, तेरी लड़की दोनों लड़कियों की बारी है बोल रहा है। और उसके माँ ने ही पना दे रखी है घर में, उसकी माँ भी छल कपट करके बोल रही फोन उन करके सारे। अब कह तो रखा है पुलिस वालों से। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।